नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सीधे बैठ जाओ। अरे बाद में खींच लेना, पहले सुन लो। आ जाओ। तो आज मेरा ये हिस्ट्री की क्लास आपकी 13वीं क्लास है भारतीय इतिहास की। आज हमारा टॉपिक क्या है? सिकंदर महान। तो सिकंदर के बारे में हर व्यक्ति ने सुना है, कुछ ना कुछ सुना है, लेकिन यहाँ पे हम कोई सिकंदर के बारे में कोई रोचक जानकारी बताने नहीं जा रहे हैं। हम केवल इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से ले रहे हैं ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिकंदर महान से लेकर के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे गलत ना होने पाएँ। तो चलिए हम चलते हैं सिकंदर के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो आपके एग्ज़ाम में आती है। तो पहला हम लेते हैं आपका कि सिकंदर का जन्म जो है वो कब और कहाँ पे हुआ। तो सिकंदर जैसे महान विजेता, जिसे दुनिया में विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, और बचपन से ही काफ़ी महत्वाकांक्षी था वो। 12-13 वर्ष की आयु में ही उसकी महत्वाकांक्षा दिखने लगी थी और एक प्रकार से वो लोगों से कहता भी था कि मेरा एक ही सपना है दुनिया का जो है वो विजेता बनना। तो ऐसे वीर बालक का जन्म जो है वो कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में, और एक स्थान आपका यूनान में है पेला। तो ये इस स्थान पर इसका जो है वो जन्म हुआ। तो उनको याद रखिए कब हुआ जन्म? 356 ईसा पूर्व में। तो ये कोई धारा मिलती ना आपकी, किससे मिलती है? राष्ट्रपति शासन से मिलती ना। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है ना, उसके थ्रू इसको याद रख सकते हैं सिकंदर महान के जन्म को, कि 356 अनुच्छेद में जो है वो क्या है आपका पॉलिटी में राष्ट्रपति शासन है। फिर हम अगला चलते हैं। तो सिकंदर जो है वो कौन था? तो सिकंदर का थोड़ा सा परिचय हम देते हैं। तो सिकंदर जो है वो एक स्थान था आपका मकदुनिया, ये आपके कहाँ पे था? यूनान में था। तो मकदुनिया के राजा जो है वो फिलिप का पुत्र था। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सिकंदर के पिता क्या नाम था, पूछा गया एग्जाम में, तो सिकंदर के पिता क्या नाम था? फिलिप नाम था। और फिलिप की जो है वो हत्या कर दी गई। तो हत्या करने के बाद जो है वो उसका उत्तराधिकारी के रूप में कौन? सिकंदर जो है वो मकदुनिया का शासक बना। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है कि सिकंदर कहाँ का शासक था? तो कहाँ का शासक था? मकदुनिया का। सिकंदर कहाँ का शासक था? मकदुनिया का। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु कोई अननोन नाम नहीं है, बहुत फेमस नाम है। क्या नाम है उनका? अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। तो सिकंदर के गुरु जो है कौन थे? अरस्तु। या सिकंदर किसका शिष्य था? उल्टा घुमा के पूछ सकता है, तो किसका शिष्य था? अरस्तु का। फिर हम आगे चलते हैं। सिकंदर का भारत अभियान है ना, तो सिकंदर ने भारत में विजय प्राप्त करने के लिए अभियान की शुरुआत कब की आपकी? 326 ईसा पूर्व में। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व। कब किया? 326 ईसा पूर्व। तो कैसे याद रखेंगे? 3 × 6। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 3 × 6। तो 3 आगे अंक का है 2 है और फिर 6 है, तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 × 6। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं इसको, 326 ईसा पूर्व को 3 × 6 में शुरू हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि सिकंदर जो है वो लगभग 14 माह जो है भारत में रहा, तो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, 1 वर्ष से 2 माह अधिक। फिर हम चलते हैं कि एक नाम है आपका सेलुकस निकेटर। सिकंदर के विजय अभियान में जो है वो इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था। तो कुछ पूछा सकता है कि सेलुकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। यद्यपि आगे चल करके सेलुकस निकेटर जो है वो यूनान का राजा भी बना, और इसका राजदूत था आपका कौन था? मेगास्तनीज, जिसने एक पुस्तक लिखी है, उसका क्या नाम है? इंडिका। तो मेगास्तनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसको हम आगे भी देखेंगे। और भारतीय इतिहास में जो है वो सिकंदर ने युद्ध तो बहुत लड़े, लेकिन एक ऐसा युद्ध था जो भारतीय इतिहास में जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सिकंदर और पौरस के बीच में एक युद्ध हुआ जो भारतीय इतिहास में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस युद्ध का 3 नाम मिलते हैं एग्जाम में आपके। इस युद्ध के 3 नाम हैं,
वितस्ता का युद्ध, या इसी को झेलम का युद्ध बोलते हैं, या हाई डेस स्पीच का युद्ध। तो एक ही युद्ध है, उसके तीन नाम हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आया है कि झेलम के युद्ध का एक अन्य नाम क्या है, तो आंसर था आपका हाई डैश स्पीच, हाई डैश स्पीच। तो तीनों नाम बोल लीजिए एक बार, वितस्ता का युद्ध लिखिए, वितस्ता, झेलम, हाई डैश स्पीच का युद्ध। और ये युद्ध आपका कब लड़ा गया, 326 ईसा पूर्व, है ना। और नदी कौन सी थी आपकी, किस नदी किनारे, झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था ये। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो उस समय पंजाब का शासक कौन था, राजा, राजा पोरस, उसका एक नाम और भी चलता था राजा पुरु, राजा पुरु। तो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। और ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर जो है वो पोरस की वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ, और उसने पोरस का जीता हुआ राज जो है वो उसको वापस कर दिया। और इस युद्ध में भी देखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं, जो डिटेल मिलता है किताबों में, कि ये युद्ध बड़ा अलग टाइप का युद्ध था, क्योंकि पोरस के पास जो सैनिकों की संख्या थी मात्र थी 10,000 थी, जबकि पोरस की संख्या जो है वो 100,000 से अधिक संख्या थी सेना की, है ना। तो जब आमने सामना हुआ तो एक बार तो जो है दुनिया का विश्व विजेता सिकंदर जो है वो घबरा गया कि इतनी बड़ी सेना से हम जो है, हमारे इतने कम सैनिक मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ उनके कैसे कबज, तो पोरस की सेना की एक बहुत विशेषता थी कि वो लोग जो है शरीर में क्या करते थे, कबज धारण करते थे, जबकि पोरस की सेना के पास जो है कबज का उपयोग वो लोग बहुत कम करते थे या ना के बराबर करते थे। और पोरस की सेना की बनावट ऐसी थी कि पोरस की सेना में सामने क्या थे, हाथी थे। तो यहाँ पे एक सिकंदर ने क्या किया, एक रणनीति का प्रयोग किया। क्या रणनीति अपनाई उसने, अपने सैनिकों को उसने ये आदेश दिया कि आपको जो है वो केवल क्या करना है, क्या करना है, हाथियों पर आक्रमण करना है, आपको केवल क्या करना है, हाथियों पर आक्रमण करना है। तो ऐसा ही हुआ, हाथी जब आक्रमण किया तो हाथी जो है वो बिचक करके, है ना, और अपनी ही सेना को उन्होंने कुचल डाला, अस्त व्यस्त कर डाला। इस प्रकार से जो है वो पोरस पर सिकंदर की विजय प्राप्त हुई। लेकिन जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, ऐसा मिलता है किताबों में, कि बताओ पोरस तुम्हारे संग क्या करना चाहिए, तो सिकंदर ने, पोरस ने क्या जवाब दिया कि मैं भी एक राजा हूँ पंजाब का, और आप भी एक राजा हैं कहाँ के, कहाँ के, मकदुनिया के। तो जिस तरह से एक राजा दूसरे राजा के संग व्यवहार करता है, उस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। तो इन बातों से लेकर के काफ़ी प्रभावित हुआ, और पोरस को उसने क्या किया, जो जीता हुआ राज जो है वो उसको वापस कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था युद्ध से उसका एक गहरा रिश्ता था, लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे युद्ध लड़ने से उसकी सेना में जो है प्रकार से थकावट आ गई, थक गए सैनिक जो है, सेना जो है वो उनको आराम नहीं, रिलैक्स नहीं मिल पाता था, उनको रिलैक्स जो है वो नहीं मिल पा रहा था। तो सेना ने क्या किया कि जब ये आगे बढ़ने के लिए, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ाइए, तो बीच में क्या थी, ब्यास नदी। उस समय ब्यास नदी जो है अपने पूरे उफान पर थी, तो सैनिकों ने क्या किया, ब्यास नदी को पार करने से जो है वो मना कर दिया। फलस्वरूप विवश होकर के सिकंदर को जो है वो वापस लौटना पड़ा। तो भाई हमने लिखा है कि 325 ईसा पूर्व में अंततः सिकंदर को अपनी सेना के साथ स्थली मार्ग से जो है वो वापस लौटना पड़ा, ठीक है। और लौटने के दौरान ही, ऐसा के इतिहासकार लिखते हैं, यहाँ पे गंभीर बीमारी मिला हुआ है, लेकिन एक बहुत से किताबों में लिखता है कि मलेरिया, मलेरिया हो जाने से जो है वो 33 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में ये पूछा गया है, कितने वर्ष की आयु में, 33 वर्ष की आयु में जो है वो, और सन कौन सा है आपका, 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व। तो 26 से हम क्या करेंगे, 326 में आक्रमण किया था, उसमें क्या करेंगे हम, कितना घटाएंगे, 3 घटा देंगे, है ना। तो हम जो है ये आंकड़ा हमको जो है वो याद हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व में जो है वो सिकंदर की जो है वो बेबीलोन नामक स्थान पर जो है वो क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
इस तरह से एक दुनिया का विश्वजेता जो है वो उसकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन आज भी सिकंदर के जो कार थे उसकी वीरता थे वो इतिहास में एक अद्भुत स्थान रखते हैं, और सिकंदर ने जो ठाना उसको जो है वो पूरा करने का वो पूरी ताकत से प्रयास करता था। तो निसंदेह रूप से हम सभी लोगों के लिए, भले वो एक विदेशी है, आक्रमणकारी था, लेकिन उसके जो आदर्श हैं वो हम लोगों को, जितने भी हम लोग कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको निसंदेह रूप से वो प्रेरणा प्रदान करते हैं कि अगर हम कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरी ताकत से करें तो सफलता हमको जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ये सिकंदर, इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और मैं आरके सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा से एक बार अगले वीडियो तक पुनः आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।